नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज मैं अपने गार्डन में आपको छोटी छोटी टिप बताऊंगी, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावर भी आएंगे। तो पहली टिप तो ये है फ्रेंड, अभी अक्टूबर का महीना है, तो अभी थोड़ी बहुत आप कटिंग अपने पौधों पर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमारी ये गुड़हल है और इस पे फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं, तो इसकी हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड, यहाँ से इतनी इतनी, ज़्यादा हार्ड कटिंग नहीं करेंगे, जिससे हमारे सर्दी में भी फ्लावर आते रहेंगे गुड़हल पर। तो ये छोटी छोटी जो टिप हैं वो आप अपने गार्डन में ज़रूर करते रहिए, जिससे आपके गार्डन में फ्लावर भी आते रहेंगे और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी सी होती रहेगी। और ये देखिए, इलायची का पौधा है और इस पर अभी तो इलायची नहीं आई है फ्रेंड, पर इंतज़ार है कब तक इस पर आएगी। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये इंडोर प्लांट हैं और यहाँ पर रखे हुए हैं ग्रीन नेट के नीचे। तो ये कुछ हमारे हैं ये मनी प्लांट, 5 से 7 जगह हमने लगा रखा फ्रेंड। मनी प्लांट का मुझे बहुत शौक है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा तेज़ धूप आने की वजह से कुछ पीले से हो गए हैं और ये मनी प्लांट कुछ नीचे भी गिरे पड़े हैं फ्रेंड, ये इस तरह से। तो इनको अगर इनकी स्टेम नीचे गिर जाएंगी तो ये शुभ नहीं माना जाता है मनी प्लांट की, और इनकी स्टेम को हमेशा ऊपर ही रखिए, तो इसलिए इनको हम ठीक करते हैं। और ये वाला जो मनी प्लांट है फ्रेंड, ये हमारा ठीक से चल रहा है और इसकी स्टेम भी ऊपर की तरफ देखिए जा रही है, और इस तरह से ही ऊपर ही जा रहा है, इसकी स्टेम नीचे नहीं गिरी है, इसलिए ये तो ठीक है। और ये दूसरा वाला, सारी इसकी स्टेम नीचे गिर चुकी हैं और मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, आज मैंने फ्रेंड देखा है। और इनके इनके जो पत्ते हैं पीले हैं, उनको भी मैं फ्रेंड काट के निकालूंगी, और एक तो पौधे पर अच्छे नहीं लगते हैं और दूसरी बात यह है कि ये पीले पत्ते दूसरे पौधों को, दूसरे पत्तों को भी पीला कर देते हैं और सुखा देंगे, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है और टाइम टाइम पर इनकी देखभाल करते रहना चाहिए। और इस स्टेम को ऊपर कर दीजिए और पत्ते पीले निकाल दीजिए और पानी का छिड़काव कर दीजिए और फर्टिलाइज़र दे दीजिए, क्योंकि सर्दी में तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो अभी ये काम सब कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, जो स्टेम को हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि स्टेम नीचे शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए ये मनी प्लांट है और इससे हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है, इसलिए हम इसको अपने घर में लगाते हैं। और जितनी भी स्टेम है, ये अगर आपको काट के निकालनी है तो काट के भी निकाल सकते हो, और नहीं तो इन स्टेम को ऊपर चढ़ा दीजिए, ज़मीन को टच नहीं होना चाहिए स्टेम को, इसलिए ये नीचे से ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, यही शुभ माना जाता है। और ये जो पीले पत्ते हैं, इनको भी फ्रेंड हम निकाल देंगे और इस तरह से हम इनको यहाँ पर बांध देंगे, किसी रस्सी हो या कोई भी धागा हो उससे आप बांध सकते हो। तो इस तरह से हमने स्टेम को ऊपर कर दिया है। अब ये जो पीले पत्ते हैं, इनको भी कट करके निकाल देंगे, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकेगी और हमारा पौधा देखने में भी फ्रेंड अच्छा लगेगा, क्योंकि मनी प्लांट जो है वो हरा भरा ही अच्छा लगता है, पीले कलर का नहीं अच्छा लगता है, इसलिए निकाल दीजिए पत्ते को, और दूसरे पत्तों को भी ये ख़राब कर देता है फ्रेंड, इसलिए इनको कट करके हाथ से काट दीजिए, कैंची से काट दीजिए, किसी से भी काट दीजिए। तो इस तरह से हमने अपने पौधे को देखिए संभाल दिया है और सीधा कर दिया है। आप इनकी देखभाल करते रहना चाहिए टाइम टाइम पर, कि स्टेम इनकी नीचे तो नहीं है, और जब भी नीचे हो तभी इनकी स्टेम को ऊपर कर दीजिए। तो ये थी इसकी जानकारी, ठीक है। और यहाँ पर मिट्टी देख लीजिए, अगर सूखी मिट्टी है तो इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं फर्टिलाइज़र दे दीजिए, फर्टिलाइज़र को बहुत कम दीजिए फ्रेंड, पानी दे दीजिए और कच्चा दूध जो होता है उसी का आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छा होता है और शुभ भी माना जाता है, और दूध तो आपको पता ही है, दूध जहाँ भी चढ़ाएंगे आपको अच्छा ही होगा, तो इसलिए।
देखिए कुछ इस तरह से इसकी ग्रोथ हो गई है। और कुछ हम इसको फ्रेंड कट करके भी निकाल देंगे, अभी तो नहीं करेंगे फ्रेंड, नहीं तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। कुछ दिन के बाद इसको कट करेंगे, सर्दी में पौधों की ग्रोथ कम होती है इसलिए फ्रेंड अभी नहीं काटेंगे इसको। और अभी हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है इसलिए स्टेम को ऊपर कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये वाला जो प्लांट है, देखिए कितनी सारी इसकी जो नीचे पड़ी हुई स्टेम, और ये स्टेम को हम कट करके निकाल देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो चुका है और ज़्यादा घना होने पर भी इसकी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए इनकी जो है ये स्टेम को हम काट के निकाल देंगे। और स्टेम कुछ पुरानी भी हैं फ्रेंड, और इनकी आप कटिंग और भी मतलब प्लांट में लगा सकते हो, अगर और भी पौधे बनाने हैं तो आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हो। और जो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड, तो यहाँ से हमको इन यहाँ से कई सारी इसकी स्टेम निकल जाएंगी और हमारा पौधा और भी बुशी बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से इनकी जितनी भी ये स्टेम है इनको कट कर देंगे फ्रेंड। इनकी साफ़ सफाई करना और फर्टिलाइज़र देना और कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पौधे की कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा पौधा अच्छा भी नहीं लगेगा और ग्रोथ भी नहीं करेगा, इसलिए कटिंग करके बहुत ज़रूरी है। तो ये कटिंग हम कर लेते हैं फ्रेंड। और जो इसकी ये देखिए पीली पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह की पत्ती हो जाए तो इनको ज़रूर आप निकाल दीजिए, नहीं तो ये सारा प्लांट खराब कर देगी। और यहाँ से देखिए जो भी इसके मिट्टी के अंदर सूखी सूखी पत्तियाँ निकालते हैं इनको आप निकाल दीजिए और गुड़ाई कर दीजिए अपने मिट्टी की। देखिए इसके अंदर कितनी सूखी पत्तियाँ भरी हुई हैं, इस कूड़े कचड़े को आप ज़रूर मनी प्लांट की सफाई करें। मनी प्लांट एक धन का प्रतीक होता है इसलिए इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसके आसपास भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जितने भी प्लांट आप लगाएंगे अच्छे वाले प्लांट लगाएं, कोई भी प्लांट खराब ना लगाएं, नहीं तो असर पड़ता है फ्रेंड बहुत ज़्यादा। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको अब दिख रहा होगा कुछ साफ सा। और देखिए यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी ये कटिंग्स निकल गई हैं, अगर आपको लगाना है तो इसमें से छोटी छोटी कटिंग करके आप एक और प्लांट बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं भी करूँगी फ्रेंड, इसकी कटिंग फेंकूँगी नहीं, किसी और प्लांट में मैं लगा दूँगी। कुछ स्टेम और भी हैं इनको भी मैं निकाल देती हूँ। तो ये है इसकी कुछ छोटी मोटी टिप, इनको आप फॉलो करेंगे तो इसी तरह आपके भी पौधे हो जाएंगे और आप देखना बहुत अच्छी है ग्रोथ करेगा हमारा प्लांटर। और देखिए इसकी साफ़ सफाई भी हो गई, सूखी पत्तियाँ भी निकल गई। और इसको हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे फ्रेंड, दूध का फर्टिलाइज़र देंगे, उससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पत्तियों पर ये पत्तियाँ जो हैं बहुत चमकदार होती हैं। मेरे पास 7 से 8 इसके प्लांट हैं फ्रेंड, तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो ये थी इसकी जानकारी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से कूड़ा कचड़ा भी है और इसकी मैं सफाई कर लेती हूँ झाड़ू लगा के अच्छी तरह से, यहाँ से सारा निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितनी सारी कटिंग्स हैं, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और जो कटिंग लगाएंगे वो उसको निकाल लेंगे फ्रेंड। और बाकी कटिंग्स को जो पत्ते हैं इनको ये अपनी जो किचन वेस्ट बनाते हैं उसी में इसको रख देंगे, जिससे हमारा खाद भी बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप ये कुछ हमने कटिंग्स लगाई हुई हैं फ्रेंड इस स्पाइडर प्लांट की, और बहुत अच्छी तरीके से ये भी चल रही हैं। और इसको देखिए आप ये एग्लोनीमा है और इसकी भी पत्तियाँ कुछ इस तरह से हो गई हैं, तो इसको भी मैं काट के निकाल दूँगी। इस तरह की पत्तियाँ बिल्कुल भी मत रखिए प्लांट में, नहीं तो आपका प्लांट भी फ्रेंड ख़राब कर देंगी, इसलिए इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखना है अपने पौधों के लिए, जिससे आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ भी रहेंगे। कुछ इस तरह से भी हमारा ये एग्लोनीमा का प्लांट है। और फ्रेंड इसको आप कई जगह पर डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से निकाल कर इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, अभी तो नहीं हमने किया फ्रेंड, हम भी इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे और
अभी तो मैं साफ सफाई कर रही हूँ प्लांट की। ये देखिए पीली पत्तियों को निकाल दिया, कुछ इस तरह से हमारा प्लांट आपको दिख रहा होगा हरा भरा सा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह से चलते रहेंगे। ये हैं छोटी छोटी टिप, इनको आप फॉलो करते रहिए जिससे आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ भी रहेंगे। और देखिए ये पत्तियाँ हो गई हैं, इनको भी मैं निकाल देती हूँ। ये कटिंग से तैयार हो चुकी हैं, आप किसी भी प्लांट में किसी भी पॉट में आप इनको रिपोर्ट कर दीजिए। अब ये रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, देखिए आप। और यहाँ देखिए स्पाइडर प्लांट की, ये पर्पल हार्ट है और इसकी कटिंग्स मैंने ली थी सुबह, और अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। ये गमला हमारा खाली हो चुका है फ्रेंड, तो इस गमले में मैं लगा दूंगी। इसकी मैंने मिट्टी तैयार कर ली थी और कुछ इस तरह से मैं इसमें अपनी कटिंग्स लगा दूंगी और एक और हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पौधों को डिवाइड करते रहिए और खूब सारे प्लांट बनाते रहिए जिससे हमारा गार्डन हरा भरा दिखता रहे, तो बहुत अच्छा होता है और हमको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है अपने प्लांट से। तो देखिए देखिए फ्रेंड, ये हमारा डब्बा फिर से कचड़े से भर गया है। इसी में मैं सूखी पत्तियां, हरी पत्तियां जो भी होती हैं इसी में भर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर हमारा किचन वेस्ट बनता रहता है। पत्तियाँ होती हैं, घर का जो भी कबाड़ होता है, किचन का छिलके होते हैं, वो सब मैं देती इसमें डालती रहती हूँ जिससे हमारा ये बनता रहता है। कुछ देखिए ये किचन से इस तरह के छिलके निकलते हैं, ये तोरई के छिलके हों, लौकी के छिलके हों, आलू के हों या फलों के हों, तो हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी रख देते हैं। तो फ्रेंड ये थी, ये छोटी छोटी टिप को आप करते रहेंगे तो हमारा गार्डन बहुत ही अच्छा और सुंदर रहता है और हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती फ्रेंड। और ये देखिए ये जो पॉट है इसमें हमने कुछ सूखी पत्तियाँ रख दी हैं जिससे खाद भी बनती रहेगी फ्रेंड और हमारा पौधा भी लगा रहेगा। और इसमें थोड़ा सा हम किचन वेस्ट रख देंगे, इस पॉट में किचन वेस्ट से इस पॉट को भर देंगे फ्रेंड। इसी तरह हम अपने पौधों की कटिंग्स लगाते रहते हैं और किचन वेस्ट से ना हमारा बहुत अच्छा प्लांट चलता है। आप देखते होंगे मेरे वीडियो में हमारे प्लांट आपको बिल्कुल हरे हरे दिखाई देते होंगे, बहुत सुंदर लगते हैं। और यही किचन वेस्ट ही हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, और वो मैं आपके साथ में भी शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा पॉट भी भर गया, हमको मिट्टी लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कहीं से फ्रेंड। और अब हमारे ये प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा, ये किचन वेस्ट है, खाद है। इसको हमने भर लिया और यहाँ रख देते हैं। और ये सूखी पत्तियों को हम यहाँ से, जो ये है इसमें खाद बनी हुई है फ्रेंड, इसको मैं निकाल लूँगी और उसके अंदर ये सूखी पत्तियों को भर दूँगी और फिर ऊपर से इसकी मिट्टी को कर दूँगी, ऊपर से मिट्टी रख दूँगी तो हमारा अच्छी तरह से ये चलता रहेगा, ये खाद बनती रहेगी फ्रेंड। तो इस तरह से ये करते रहना चाहिए अपने गार्डन में और हमको पैसों की बचत भी होती है और हमारी खाद भी फ्री की तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप भी करते रहिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये जो मैं कटिंग्स लाई थी इस पर पीले कलर के फ्लावर आते हैं और ये फोर्चला का है और इस छोटे से कंटेनर में हमने इस कटिंग को लगा दिया था। अब फ्रेंड क्या है, इसमें मिट्टी कम है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसलिए हम दूसरे पॉट में लगा देंगे। एक छोटा सा मेरे पास ये डिब्बा था, इसको मैंने ऊपर से कट करके और इसमें किचन वेस्ट को डाल दिया है। अब इस कटिंग को हम फ्रेंड इसमें रख देंगे जिससे हमारे इस प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस पर लगा दिया, इसमें रख दिया है इस कटिंग्स को और हमारी कटिंग की ग्रोथ अच्छी सी बनेगी इसलिए। और ऊपर से फ्रेंड हम ये किचन वेस्ट है इसको मैं डाल देती हूँ तो हमारे पौधे को खाद भी मिल जाएगी फ्रेंड और हमारा पौधा ख़राब भी नहीं होगा। और ये ऑर्गेनाइज खाद है तो अच्छी तरह से हमारे प्लांट चलते रहते हैं। देखिए फ्रेंड कितना फ्री में हमारा पौधा तैयार हो गया, फ्री का पॉट हो गया, फ्री का ये कटिंग्स हो गई और ये हमारा एक और प्लांट बन गया है देखिए। और कुछ हमने फ्रेंड ये बॉटल में भी लगा रखी है कटिंग्स, ये
ये देखिए पीले कलर की है, ये पर्सलेन है। और मेरे पास इसकी एक ही वैरायटी है फ्रेंड अभी तो, और कई वैरायटी आती हैं लेकिन मेरे पास इसमें पीले कलर की है, तो ये इसमें हमने लगा दी है। अभी इसको पानी की कम ज़रूरत है तो ये आराम से चलती रहेगी। और देखिए फ्रेंड, ये जो पत्तियाँ निकाली थी ये कटिंग से मनी प्लांट की, वो सब हमने इस तरह से यहाँ पे काट के रख ली हैं। ये देखिए इसको हम पानी में ग्रो करेंगे फ्रेंड। मेरे पास बॉटल है, उसमें पानी में ग्रो कर देंगे इसको। और इस तरह से हमने इनको छांट दिया है, अलग कर दिया है। और ये देखिए ये जो निकली हुई पत्तियाँ हैं कुछ, इनको हम अपने किचन वेस्ट में डाल देंगे, फेंकेंगे नहीं फ्रेंड। और किचन वेस्ट ये खाद बन जाएगी और हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसलिए किचन वेस्ट को आप ज़रूर बनाते रहिए। तो इनको खाद में डाल देंगे और इससे खाद तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास ये एक डिब्बे का कट करके हमने इस तरह का ये पॉट बनाया है। तो ये पॉट हमारा, इसमें हमने किचन वेस्ट को डाला है, सिर्फ किचन वेस्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। और मिट्टी नहीं मिलाई है, सिर्फ किचन वेस्ट है। और यहाँ पर देखिए आप, एक स्टेम को मैंने लिया है, ये स्टेम थी, और इस स्टेम से मैंने कट करके और ये वाला मनी प्लांट तैयार किया है, ये कटिंग तैयार की है। तो ये है बड़े पत्ते वाली कटिंग्स, और इस तरह का ये इसका मार्बल बोलते हैं, मार्बल मनी प्लांट वो है ये। तो इसकी कटिंग मैं लगाने वाली हूँ इस मतलब पॉट में। तो मैं कैसे लगाऊंगी इसको, और इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में कट कर लिया है इस तरह से, जिससे हमारा गमला भी भर जाएगा और सुंदर भी लगेगा और हमारी बहुत सारी कटिंग्स भी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अपने पॉट में लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर रूट कितनी अच्छी निकली हुई है। तो इस तरह से हम इसमें मिट्टी में इस रूट को पूरा पूरा इस तरह से दबा देंगे और ऊपर से इसमें मिट्टी को रख देंगे। फिर दूसरी स्टेम को लेंगे और इसको भी मैं इस तरह से इसमें दबा दूंगी और ऊपर से इसमें मिट्टी को रख देंगे फ्रेंड। तो ये बहुत ही आसानी से हमारी इसमें कटिंग्स लग जाएंगी, ये देखिए। और कई सारे हमारे प्लांट तैयार हो जाएंगे और हमारा पॉट भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसको हम छाया वाली जगह पर रख देंगे जिससे हमारे पौधे ख़राब ना हो। ये हमारा मतलब मनी प्लांट जो कटिंग्स लगा रहे हैं, जिससे हमारी ये कटिंग्स ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे हॉल करके और इस तरह से कटिंग को रख के और ऊपर से मिट्टी रख देंगे। तो इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग्स लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें मिट्टी में दबाना है अच्छी तरह से, जिससे ये निकले ना, ठीक है। और इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग्स को इसमें तैयार कर लेते हैं। फिर हमारा पॉट भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में और हमारी कटिंग्स ही बहुत सारी तैयार हो जाएंगी। इसी तरह फ्रेंड, मैं अपने फ्री के पौधे बनाती रहती हूँ। एक पौधे से मैं कई सारे पौधे बना लेती हूँ, और इसी तरह मैंने अपनी ये सारी कटिंग्स भी लगा ली हैं मनी प्लांट की। एक कटिंग्स मैं कहीं से लेके आई थी फ्रेंड, और वो मैंने उससे मैंने कई सारे प्लांट अपने तैयार भी कर लिए हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा पॉट आपको लग रहा होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसको अपने गार्डन में कहीं छाया वाली जगह में रख देंगे। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसमें पानी भी डाल दिया है। और अब देखिए आपको जितने सारे प्लांट बना सकते हैं, कितने सारे 10 से 12 प्लांट ये हमारे बन के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से अपने प्लांट को बना लीजिए, दबा दीजिए मिट्टी में, और देखिए आप कितने सारे इसमें, आप जब ये ग्रोथ हो जाए अच्छी तरह से, तब आप कहीं भी इसको ट्रांसफ़र करके मतलब दूसरे पॉट में लगा लीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए कितनी आसानी से हमारा मनी प्लांट के बहुत सारे प्लांट बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी गार्डनिंग जीरो बजट में करते रहिए फ्रेंड। और कैसी लगा है मेरा ये तरीका आपको पौधे लगाने का और कुछ पौधों के बारे में टिप बताने का, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।